हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आफरीदी और आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है दानिश आफरीदी में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लॉकडाउन होने के बावजूद अपने घर के अंदर कोरोना वायरस को आने दे रहे हैं, ये कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से कोरोना वायरस आपके घर के अंदर आ रहा है और कैसे आप कोरोना वायरस को रोक सकते हैं अपने घर के अंदर आने से। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने बताया था कोरोना वायरस की 3 स्टेज कौन कौन सी हैं और लॉकडाउन का महत्व क्या है, क्यों आखिर लॉकडाउन किया गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप जाइएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कोरोना वायरस आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे कैसे आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहां से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज 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 अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि हर आदमी सचेत हो जाए और जागरूक हो जाए कि वो कोरोना वायरस को कैसे रोक सकता है लॉकडाउन के अंदर अपने घर के अंदर आने से। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन को पूरी तरह से निभा रहे हैं लेकिन फिर भी उनके घर के अंदर कोरोना वायरस आ सकता है। अब उसकी वजह क्या है यह मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों काफी सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जिसकी वजह से कोरोना वायरस आपके घर में प्रवेश कर सकता है जबकि आप लॉकडाउन के अंदर सारे घर वाले अंदर मौजूद हैं उसके बावजूद। आज के इसके मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगा कैसे आप इसे रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये देख लीजिए कि अखबार जो आपके घर में आ रहा है वो भी एक जरिया हो सकता है कोरोना वायरस को आपके घर तक पहुंचाने का, क्योंकि जो अखबार वेंडर जो अखबार आपके घर में फेंक कर जा रहा है उस अखबार में कोरोना वायरस हो सकता है। अगर वो शख्स अगर संक्रमित है और फिर वो अखबार आपके घर में फेंकेगा और उस अखबार को आप अगर उठाते हैं और अपने घर वाले सब इस्तेमाल करते हैं उसे पढ़ते हैं तो आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों जब आप लोग बाजार जा रहे हैं, यानी अगर आपको कोई काम है और आप जैसे किराने की दुकान पर जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरह से कर्फ्यू नहीं है, सिर्फ ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन में जब हम लोगों को किसी चीज की जरूरत पड़ी है तो हम किराने की दुकान तक जा रहे हैं यानी राशन लेने जा रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो जैसे मान लीजिए आप वेफर्स लेके आ रहे हैं या कोई नूडल्स लेके आ रहे हैं, अगर आपको इसकी हाथों हाथ जरूरत नहीं है खाने की तो इससे पहले तो 24 घंटे आप घर के बाहर ही छोड़ दीजिए। मैं साथ के साथ आपको वो तरीके भी बताता जा रहा हूं जिसके जरिए से आप बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप यूं मान लीजिए अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या करना होगा और कैसे आपको वापस घर में आने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो जब आप बाहर जाते हैं तो सबसे पहले अपना मास्क लगाएं और पूरा अच्छे से मास्क को ढकें। ये नहीं है जो रुमाल आप बांध लेते हैं ये किसी काम का नहीं है दोस्तों, ये नहीं, अच्छा मास्क लाएं और वही आप लगें क्योंकि ये जो साइडों से जो हवा जा रही है इससे भी आपको कोरोना वायरस आपके अंदर जा सकता है। तो चलिए आपने मास्क लगा लिया, अब आप बाहर चले गए, बाहर से अपना सामान सारा खरीद के घर में आए। घर में आते ही दोस्तों सबसे पहले तो आप किसी से बात ना करें, सीधे उस मास्क को धोएं, जाकर अगर धोने वाला है और अगर डिस्पोजल मास्क है तो उसे फेंक दें और इसको धोने के बाद आप नहाएं, अपने सारे कपड़े धोएं और अच्छे से नहाएं, उसके बाद आप लोगों से मिलें अपने घर वालों से। दूसरी चीज जो आप सामान खरीद के लाएं वो सारा सामान, अगर जैसे वेफर्स हैं, नूडल्स हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो धोने से खराब नहीं होंगी तो उन्हें डिटॉल के पानी में या अच्छे डिटर्जेंट के अंदर बाल्टी के अंदर डाल के उन्हें अच्छे से आप धो लीजिए, धोने के बाद उसे सुखा लीजिए। और हो सके तो जो सामान अगर आपको हाथों हाथ यूज नहीं करना है तो दोस्तों प्लीज उसे 24 घंटे के लिए बाहर ही छोड़ दें, यानी 24 घंटे के अंदर अगर आप उसे बाहर छोड़ दें तो उसके अंदर जो वायरस है वो अपने आप वहां पर मर जाएगा। लेकिन अगर आप आते हैं, मान लीजिए एक वेफर्स का पैकेट है जो अंदर से तो उसमें कोई वायरस नहीं है लेकिन अगर कोई संक्रमित आदमी ने उसे छुआ है, या मान लीजिए अगर आप उसके ऊपर कोई संक्रमण है, आप उसे घर में लेकर आ गए, अब आपने सोचा ये तो अंदर है हम अंदर से खाएंगे लेकिन बाहर भी तो उसके संक्रमण है, अगर आप उसे छुएंगे तो आप उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ खास चीजें हैं जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपके कपड़े हैं तो उन कपड़ों पे भी कोई वायरस आ सकता है, इसकी वजह यह है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी कोई आपके ऊपर छींकेगा या खांसेगा तो ही आपको कोरोना वायरस होगा। यह भी हो सकता है कि आप जब किराने की दुकान पे गए वहां कोई टेबल है या कोई काउंटर है उस पे कोई आदमी पहले खांस छींक कर चला गया और आपने वहां जाकर उस पे हाथ रख लिया, अगर वहां पे कोई वायरस है या आपने किसी चीज को टच किया वहां पर वायरस है तो भी तो आपके हाथ पे वायरस आ सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई लोग छींके आपके ऊपर या खांसे आपके ऊपर और आप तभी उससे पीड़ित होंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम बाहर जाते हैं तो जरूर हम संक्रमण में आ सकते हैं, या हो सके तो आप कोशिश करें कि आप घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। अगर आप निकलते हैं तो जो मैंने आपको बताया कि घर में आइए, आते ही सबसे पहले नहाइए, अपने सारे कपड़े धोइए, उसके बाद ही आप घर वालों से मिलिए और हो सके तो बाहर नहीं जाइए। और बाहर से जितनी भी सारी चीजें ला रहे हैं उन्हें अगर आपको हाथों हाथ यूज नहीं करना है तो आप 24 घंटे के लिए उन्हें बाहर छोड़ दीजिए, धूप के अंदर या ऐसे आप बाहर कहीं खुले में छोड़ दीजिए,
अगर धूप से खराब होने वाली नहीं है तो धूप में रख दो, अगर धूप से खराब होने वाली है तो बाहर खुले में छोड़ दो, ताकि 24 घंटे के अंदर उसमें जो संक्रमण है वो खत्म हो जाए। तो इस बातों का आप ध्यान रखें कि बाहर से जो चीजें आपके घर के अंदर आ रही है वो कोरोना वायरस को आपके घर के अंदर ला सकती है, क्योंकि आप लॉकडाउन का पूरा आप पालन कर रहे हैं, घर के बाहर नहीं जा रहे, लेकिन उन चीजों के जरिए कोरोना वायरस आपके घर पर आ सकता है। तो दोस्तों प्लीज घर पर ही रहिए, और हो सके तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोग अच्छे से समझ जाएं कि उन्हें और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि कोरोना वायरस आपके घर में ना आए।